यूपीआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने इंडिया के फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटाइजेशन प्रोग्राम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है और पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। हुआ क्या कि लास्ट मई में टोटल 594 करोड़ ट्रांजैक्शन यूपीआई से हुए हैं। दैट इज अ वेरी ह्यूमंगस डेटा, बहुत बड़ी बात है ये, 594 करोड़। आज के टाइम पर इंडिया लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट मार्केट बन चुका है, दुनिया में ग्लोबली लीड कर रहा है इस मार्केट में। और चलिए जानते हैं कि यूपीआई एक्चुअली होता क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल और एडवेस इनसाइट्स में आपका स्वागत है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, एक ऐसा मोबाइल ऐप जिसमें आप बैंक अकाउंट्स के जरिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं बहुत ही स्मूथली, बहुत ही सिक्योरली और बहुत ही कन्वीनियंटली, अपने बैंकिंग सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं। इसमें इमीडिएट मनी ट्रांसफर होता है, जितना टाइम आपको अपनी वॉलेट निकाल कर पैसा देने में और फिर शॉपकीपर आपको चेंज देता था, उस प्रोसेस में का आधा समय भी नहीं लगता है। 24/7 ये सुविधा उपलब्ध होती है। आपको करना क्या है, शॉपकीपर से जो भी सर्विस या प्रोडक्ट लिया उसके पास एक QR कोड होगा। QR कोड का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पांस कोड। डायरेक्टली अपने फोन से स्कैन करा और जो भी अमाउंट है आपकी सर्विस और प्रोडक्ट का उसको अमाउंट फिल किया और आपका पिन एंटर करने के बाद आपका पेमेंट और ट्रांजैक्शन कंप्लीट। इट इज दैट इजी। इसमें आप इन ऐप पेमेंट्स भी कर सकते हैं। सपोज आपको जोमेटो ऑर्डर करना है, आप ऐप में ही गए, आपने जोमेटो में अपने वॉलेट में पैसे ऐड करे और डायरेक्टली आपका जोमेटो के थ्रू पेमेंट हो गया, आपका खाना आ जाएगा बिना कहीं कैश देना है, ना तो ATM जाना है, ना लाइन लगानी है, ना तो बैंक में जाके विड्रॉल फॉर्म भरना है, कोई भी झंझट नहीं होता है और ये पूरी तरह से सिक्योर होता है। ATM में याद है होगा आपको कि आप लोगों को पहले कार्ड होल्डर नेम डालना पड़ता था, फिर कार्ड नंबर डालना पड़ता था, फिर CVV नंबर डालना पड़ता था, इन सब में कई बार फ्रॉड्स हो जाते थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ एक पिन डालना है, आपको अपने पिन मोबाइल पिन कैरी करके आप डायरेक्टली अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ये पूरी तरह से सिक्योर होता है। यूपीआई को मैनेज करने वाली एक संस्था है, उसका नाम है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में होने वाली हर एक रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट का। इसका मेन मकसद था कि भारत में स्टेबल और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाए। ये RBI और IBA इंडियन बैंक एसोसिएशन के नेतृत्व में शुरू किया गया था और अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। ना सिर्फ इंडिया में, आज के टाइम पे UPI अलग अलग देशों में भी देखा जा सकता है, जैसे कि सिंगापुर, नेपाल, UAE, भूटान एंड मलेशिया। ये तो बात हो गई साउथ ईस्टर्न और मिडिल ईस्ट नेशन की। अब इंडिया वेस्ट में भी बहुत तेजी से यूपीआई के जरिए पहुंच रहा है। हाल ही में फ्रांस की एक कंपनी है लायरा नेटवर्क, उन्होंने एक MOU साइन किया है NPCI के साथ। अब वहां पे भी आप एज अ स्टूडेंट, एज अ ट्रेवलर, एज अ टूरिस्ट, आप अगर वहां जाते हैं तो अपने यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो अभी तो फिलहाल ये सिर्फ शुरुआत है फ्रांस में, बट धीरे धीरे ये यूरोप में भी फैल सकता है। लोग यहां तक कि कहते हैं कि यूपीआई में इतनी एबिलिटी है कि वो स्विफ्ट सिस्टम को, स्विफ्ट भी एक ट्रांजैक्शन सिस्टम है, उसको भी रिप्लेस करने की क्षमता रखता है। एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई थी रिसेंटली कि RBI ने यूपीआई में क्रेडिट कार्ड भी लिंक कर दिया है। अब जैसे आप आज के टाइम पे आपको हर वक्त अपना ATM लेकर कैरी कर चलना जरूरी नहीं है, अगर आप अपना मोबाइल लेकर चल रहे हो तो दैट्स इनफ। तो सेम वैसे ही अब मान लो आपका मंथ एंड आ गया, आपके पास पैसा नहीं बचा है और आप क्रेडिट कार्ड से कोई भी ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं तो वो भी आपके डायरेक्टली उस मोबाइल ऐप से हो सकती है, जैसे पेटीएम, गूगल पे या फिर व्हाट्सएप, इनके जरिए डायरेक्टली हो सकती है। फिलहाल के लिए तो अभी RBI ने अपना इंडियन जो भारतीय क्रेडिट कार्ड, भारतीय जो सिस्टम है रूपे, उसको क्रेडिट कार्ड से लिंक किया गया है, बट धीरे धीरे मास्टर और वीजा भी आएंगे क्योंकि ये सबसे बड़े कॉम्पिटिटर हैं रूपे के। तो जैसे ये आएंगे तो धीरे धीरे और भी सुविधाएं हो जाएंगी। पहले मास्टर और वीजा हमसे पैसे लिया करते थे कोई भी ट्रांजेक्शन के, अब इस चीज में बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है और बहुत तेजी से पेनिट्रेशन होगा इस मार्केट में जनता का। अब इस फिनटेक
मार्केट को देखते हुए बहुत बड़े बड़े जायंट्स भी धीरे धीरे अपना इन्वेस्टमेंट करने लग रहे हैं, जैसे अमेजोन पे आप जानते ही हैं, व्हाट्सएप पे भी आपको अपडेट आ गया होगा कि उसमें एक रूपी का साइन बना रहता है और डायरेक्टली आपको स्कैन करके यूपीआई करके पेमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप में भी आपने देखा होगा आजकल प्रमोशन चल रहा है कि आप एक ट्रांजेक्शन करिए 35 रुपीज आपको फ्री मिल जाएगा। ऐसे ही अब टाटा न्यू भी आ गया है, टाटा न्यू भी एक ऐप है टाटा वालों का, अभी तो फिलहाल क्लोजली वो लोग आपस में ही कर रहे हैं, बट धीरे धीरे वो भी अपने इस मार्केट को इन्हेंस करेंगे और वो उसमें भी आप पेमेंट्स कर सकते हैं पेटीएम गूगल पे की तरह। तो अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा है, आपको नॉलेज मिली है इससे, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।